हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथिक्स। ओके देखो स्टूडेंट, एथिक्स मीन हमारा यहाँ पर है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमें सही क्या होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक सिंपल वे में एथिक्स होता है। ओके हम कहते हैं ना कि हर एक पॉइंट का हम कहते हैं ना कि ये एथिक्स है, ये एथिक्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो एथिक्स को क्या बोला गया है, देखो एथिक्स और मोरल फिलॉसफी इज अ डिवीजन ऑफ फिलॉसफी दैट इंक्लूड्स सिस्टमैटिक प्रोटेक्टिंग एंड प्रेस्क्राइब्ड आइडिया ऑफ गुड्स एंड बैड कंडक्ट। ओके मीन एथिक्स और मोरल फिलॉसफी जो है फिलॉसफी का डिवीज़न है जो इंक्लूड करता है, ठीक है, जो सिस्टमैटिजिंग करता है, मतलब सिस्टम में लाता है हमारे, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रिस्क्राइब करती है आइडिया ऑफ गुड एंड बैड कंडक्ट को, ठीक है। हमारे आइडिया जो गुड और बैड कंडक्ट होता है उसको सिस्टमाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड प्रिस्क्राइब करता है। ओके मोरल सीक्स टू डिसाइड इंक्वायरीज ऑफ ह्यूमन एथिकली क्वालिटी बाय कैरेक्टराइजिंग आइडिया, ठीक है। मोरल जो है हमें डिसाइड करता है, ठीक है, कि ह्यूमन एथिकली क्वालिटी जो है उसकी पूरी कंप्लीट, मतलब एक क्या करता है वो इंक्वायरी करता है कि क्या होना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल ग्रेट एंड एबहोरेंट, गुड एंड बैड, प्रूडेंस। ओके एग्जांपल से ग्रेट होता है, ठीक है, एबहोरेंट हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, प्रूडेंट हो गया एंड बैड हैबिट हो गई, जस्टिस, ठीक है, रॉन्ग डूइंग हो गया। तो ये सब क्या है, ये हमारे एथिक्स होते हैं, ठीक है। एज अ फील्ड ऑफ स्कॉलरली रिक्वेस्ट मोरल लॉजिक लाइकवाइज इज आइडेंटिफाइड विद द फील्ड ऑफ एथिकली साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी एक्सप्रेसिव मोरल एंड वैल्यू थ्योरी। ओके मीन इस फील्ड में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो देखो क्या होता है कि हमारा एक मोरल लॉजिक है, ठीक है। कैसा लॉजिक है हमारा कि एक्सप्रेसिव मोरल है ना, साइकोलॉजी एंड वैल्यू थ्योरी, ठीक है, इन सब को वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, इस फील्ड को आइडेंटिफाई करता है। दस एथिक्स इज आर रेगुलेशन विच टीच अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यही इसका एक रियल मीनिंग है स्टूडेंट। ओके कि हमारा एथिक्स क्या है, एक ऐसा रेगुलेशन है जो हमें टीच करता है, जो हमें सिखाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। मेथा एथिक्स मतलब कि जो हमारे एक मेथाथिक्स जो उनकी क्या राय है उन्होंने बताया है, वो टॉक करते हैं कि अबाउट द नेचर ऑफ एथिक्स एंड मोरल रीजनिंग, इट इज़ अ कंसर्न विद व्हाट वी मीन व्हेन वी यूज वर्ड लाइक गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग। उन्होंने कहा कि जब हम यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, गुड बैड एंड राइट रॉन्ग को, ठीक है, तो ये कंसर्न जो है हमारा क्या है, एथिक्स है। इट इज़ नॉट अ नॉर्मेटिव सिस्टम ऑफ एथिक्स, ठीक है, ये एक नॉर्मेटिव सिस्टम ऑफ एथिक्स नहीं होता। इट डज़ नॉट टेल अस व्हाट वी कैन, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या करना, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है। ये बता सकता है, ये बताता है कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये नहीं बताता है। एक्सचेंजेस अबाउट वेदर मोरल एंड रिलेटिव्स एंड वेदर वी जनरली एक्ट फ्रॉम पर्सनल सर्कमस्टांसिस एंड इंस्टेंसिस ऑफ मेटा मोरल टास्क इन डीडिड ड्राइंग दी थियोरेटिकल, ठीक है, रिफाइनमेंट बिटवीन मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स इट सेल्फ मेटा एथिकल एनालिसिस। ओके देखो यहाँ पे स्टूडेंट, कुछ हमारे यहाँ पे एक थियोरेटिकल रिफाइनमेंट है हमारे, ठीक है, रिफाइनमेंट मीन हमारे कुछ मेटा एथिक्स हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स हैं, अप्लाइड एथिक्स हैं। तो इसके बारे में क्या है, मेटा एथिकल एनालिसिस अलग अलग हैं, इन लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग व्यूज़ हैं एथिक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन तीनों के बारे में ही आपको बताऊँगी, ठीक है, और आज जो है मैं एथिक्स के बारे में यहीं पर कम्प्लीट कर रही हूँ स्टूडेंट। ओके और नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी तीनों के बारे में क्लियर करती हूँ आपको। ओके थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।